दूसरा खतरनाक सवाल, अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर तोड़ रहा हूं गुरुजी इंटरव्यू का। अवध ओझा चुनाव कब लड़ेंगे? पटना से पर्चा भरेंगे कि गोंडा से भरेंगे? पटना से बताइए साहब। भैया हम तो किशनगंज से लड़ेंगे, किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे। बिहार की जो हमारी सीट होगी वो किशनगंज होगी, किशनगंज से लड़ेंगे। लेकिन 28 में अपनी पार्टी खुद बनाएंगे, अब की बार किसी से कोई वोट की। एक तो ये इतनी पुण्य गर्भा रत्न सलिला भूमि है, यहाँ आते ही सबको पार्टी बनाने का मन कर जाता है। एक नेता आई, उनके चुनाव निशान में घोड़े पे पंख लगे हुए थे, दूसरे आए जो जन स्वराज निकाल रहे हैं, और अब तीसरा अवध ओझा जी ने भी कह दिया है कि 2028 में पार्टी बनाएंगे। ये बताइए 2024 में किसी पार्टी से टिकट मांग रहे थे आप? एकदम मांग रहे थे, भाजपा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से, और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, अमेठी से, दोनों से मांग रहे थे। मतलब प्रयागराज से भी मांग रहे थे और अमेठी से भी मांग रहे थे। लेकिन मजेदार बात यह है कि टिकट मुझे एक पार्टी ने ऑफर किया, बहन जी ने ऑफर किया था। मतलब उनका हमेशा सहृदय धन्यवाद, उन्होंने कहा आप फूलपुर से चाहें तो आप वहां से लड़ सकते हैं। बसपा ने आपको फूलपुर से टिकट देने का बात कही थी, कर दिया था। तो जब आप प्रयागराज से भाजपा से टिकट मांग रहे थे तो कुछ भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात भी हुई होगी? उस पर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। और कांग्रेस में किससे मांग रहे थे टिकट? कांग्रेस में मेरी सुप्रिया जी से बात हुई थी, सुप्रिया सिर ने, लेकिन उनसे टिकट की बात नहीं हुई थी, उनसे सिर्फ मीटिंग की बात हुई थी कि आगे हम कैसे इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं टिकट। अच्छा ये बताइए कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बीजेपी और कांग्रेस दो ध्रुवों की तरह हैं, आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट, ये कैसे? मेरी स्थिति जो थी, मेरी स्थिति महाभारत में कृष्ण जैसी थी कि जो अपने पाले में बुला लेगा। मेरा ये था कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। और फिर उस पार्टी की आइडियोलॉजी को जस्टिफाई भी करना पड़ता। आइडियोलॉजी, एक मूवी आई थी साहब बीबी और गैंगस्टर, बड़ी प्यारी मूवी थी वो, जिमी शेरगिल की शायद मूवी थी। तो उसमें वो पूछती है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो कहता मौकाटेरियन। आज के इस अवसरवादी युग में जहां नेता एक घंटे में पार्टी बदल रहा है, यह श्री राम का युग नहीं है, यह भगवान कृष्ण का युग है। यहां शिखंडी को खड़ा करके ही भीष्म पितामह को मारना पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं। तो मेरे लिए बस ऐसा ही था कि, लेकिन अब ये नौजवान सब कह रहा है कि पटना से पर्चा भरिए, आप यूपी का पॉलिटिक्स करने का सोच रहे हैं। जितना ये लोग चिल्ला रहे हैं, अगर 10 मिनट और चिल्ला दिए तो हमें लगता है इजराइल और ईरान का युद्ध रुक जाएगा। वो लोग सोचेंगे कि इतनी ऊर्जा बह रही है कि अगर ऐसा एक घंटा और चला तो एक घंटे के बाद ब्रेकिंग न्यूज आएगी कि इजराइल ने युद्ध विराम की घोषणा की, क्योंकि सैनिकों में बड़ा मानसिक तनाव हो रहा था कि पूरब की तरफ से बिहार के आसपास से कहीं आवाज आ रही है। तो इतनी उत्तेजना जहां होगी, और मैं तो खैर अच्छा। अब एक गुरुजी और सवाल बताइए, बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। पब्लिक कहेगी कि अब आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। नहीं नहीं, मैं टिकट टिकट नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है और अपनी जगह बनाई है, और हमारे यूपीएससी के फील्ड में जो भी 95+ पाता है उसका प्री निकल जाता है, और राहुल जी का 99 पे प्री निकल गया है, और 29 में मेंस और 34 में इंटरव्यू प्रधानमंत्री। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी इनकी उत्तेजना कह रही है, ये जो उत्तेजित लोग हैं। और बिहार में नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?
नहीं आज, या फिर प्रशांत किशोर? नहीं, ये तो बिहार की जनता ही डिसाइड करेगी, ये जिसको चाहें ये उनको चुने।